हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय गणपति बप्पा की। तो आज है गणेश चतुर्थी का दिन और मैं उठ गई थी बहुत जल्दी। और आज ना सबकी छुट्टी है, घर में बच्चों की भी, हस्बैंड जी की भी। तो वैसे तो हस्बैंड जी की छुट्टी नहीं रहती कभी भी, लेकिन अभी उनकी चल रही है ट्रेनिंग, तो इस पीरियड में जो है छुट्टी मिल जाती है। और मिल क्या जाती रहती है, गेस्टेड हॉलीडे है। तो हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत ज़ोर ज़ोर से गणपति बप्पा विराजमान होते हैं, और पूरे इंडिया में ही ये मतलब 10-11 दिन पूरा एकदम बहुत ही धमाकेदार रहता है। जगह जगह पे आपको गणपति बप्पा के दर्शन मिल जाएंगे। तो बस यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का रहता है, और मैं भी अपने घर में ही बैठाती हूँ। और क्यों मैं बैठाती हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी कि मतलब मैं जब यहाँ पर रहने आई थी अपने इस बिल्डिंग में, जब रहने आई थी तब ना सब लोग यहाँ पर बैठाते थे बराबर। तो सब लोग घर पर अपने अपने आरती में बुलाया करते थे हमेशा से ही। तो तब मैंने भी ऐसे मन मन में, मुझे बहुत अच्छा लगता था, आरती करने जाते थे सबके घर पे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बस मन मन में मैंने भी सोच लिया था कि कभी आगे चल के मैं भी, जब बेटा बड़ा हो जाएगा मेरा, तो क्योंकि बच्चे छोटे रहते तो जिम्मेदारियाँ उतनी बनती नहीं है, तब मैं भी मतलब गणपति बप्पा बिठाऊँगी। तो फिर मैं बैठाने लगी। अभी ना हमारे गणपति बप्पा जो है 3 साल के हो गए हैं, तीसरी साल है मुझे गणपति बप्पा को बिठाते बिठाते। तो ये तोरण मैंने बना ली है, और उसके बाद अभी देखिए लगा देती हूँ गेट पर। जो पुरानी थी वो मैंने हटा दी, तो इसमें आम के पत्ते इस तरह से गड़ गड़ के, तो मैंने ना ऊन में बनाई है। ऊन में क्या बहुत मजबूत रहती है, अच्छे से लग जाती है, या फिर थोड़ा मोटा धागा, तो मोटा धागा था नहीं मेरे पास, तो ऊन थी तो मैंने ऊन ले ली पीली, और उसमें इस तरह से, और ऊपर मैं लगाना चाह रही थी लेकिन क्या है छोटी थोड़ी बन गई थी, फूल ज़्यादा थे नहीं, कम थे, तो ऊपर नहीं लगाई। फिर मैंने गेट पर ही लगा दी कि गणपति पप्पा आएंगे तो भाई गेट पर ही दिख जाएगी उनको। यहाँ पर बना रहे हैं 9 ग्रह जो पतिदेव ने बना दिए हैं। देखिए उनको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स देनी पड़ती है, लेकिन फिर कर देते हैं। और बीच बीच में ना हम दोनों की लड़ाई भी बहुत हो रही थी, चिल्लम चिल्ली, तो ये तो होता ही रहता है नोक झोंक। तो यहाँ पर मैं पान के पत्ते के ऊपर हल्दी लगा दिया मैंने, कुमकुम लगा दिया इस तरह से थोड़ा सा। तो होता है ना भगवान गणपति बप्पा को पान जरूर चढ़ाए जाते, इस तरह मैंने 5 आम के पत्ते पर, सॉरी पान के पत्ते पर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो आम के पत्ते ले लिए मैंने 5 जो कलश के अंदर डालेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य चंद्र बुध शनि और चंद्रमा और गुरु, सारे जो 9 ग्रह होते हैं ना उनको इस तरह से बना दिया है। ग्रह बनाना बहुत ही आसान है पूरा, मतलब मैंने अच्छे से बना लिए हैं, पूरी विधि विधान से पूजा की है। तो उसके बाद देखिए मेरी बेटी ने यहाँ पर पूजा की थाली कितनी सुंदर सजाई है, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। और ये काम जो है आरोही ने किया है, वैसे तो काव्या करती है, कर लेती है अच्छे से, लेकिन अब की मैं आरोही को आगे कर रही हूँ सब चीज़ें बनाने और कराने में। क्योंकि कारण ये है कि आरोही मेरी हमेशा ही हर काम में पीछे रहती हैं, और बच्चों को ये सब आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर लोटे में डाल दिया है मैंने सिक्का, हल्दी, कुमकुम, और साथ में है थोड़ी सी घास जो मतलब धूप आते हैं ना गणपति बप्पा को, जो दूबा चढ़ाई जाती वो, और फूल अक्षत सिक्का सब डाल के। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। तो एक तो बड़े गणपति बप्पा बैठे हैं, और एक पीतल के जो हमारे घर पर पहले से हैं, हमेशा से हम लोग पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पर छोटे गणपति की जो है मेन पूजा होती है, ये तो मिट्टी वाले जो होते हैं पार्थिव होते हैं, इनकी भी पूजा होती है साथ में, लेकिन मेन जो है छोटे वाले होते हैं, उनका स्नान कराया, उनको वस्त्र धारण कराया, साथ में उनका जनेऊ, उनको वस्त्र पूरा सब कुछ कर देंगे। और ये आप 2 सुपारी देख रहे हैं, तो रिद्धि और सिद्धि, इनको मैंने बिठाया है। अष्टदल बनाया जाता है गणपति बप्पा के पट्टा के ऊपर, फिर वहाँ पर बैठाएंगे हम इनको गणपति बप्पा को। और साथ में देखिए 9 ग्रह की यहाँ पर पूजा हो रही है, जिसमें हल्दी कुमकुम फूल में लगा करके सब चीज़ों, जितने भी ग्रह हैं मंत्रोच्चारण के साथ। तो मंत्र मैं बोल रही थी, और आपको सही बताऊँ तो ये मंत्र मुझे नहीं आते हैं, झूठ बोलने का कोई लफड़ा नहीं, मैंने नेट से निकाल के और मंत्र मैं बोलती जा रही हूँ, और ये पूजा करते जा रहे हैं। तो आज मैं बन गई अपने घर की ही पुरोहित, पंडित जी बन गई। तो वैसे भी हम लोग तो खैर
ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ सब चीज़ें करना जानते ही हैं, लेकिन कह दो इतना ज़्यादा गहराई से तो मैं नहीं जानती हूँ। मेरी फैमिली में कई सारे लोग हैं जो कि पंडिताई का पूरा कार्य करते हैं, पूजा शादी ब्याह जो भी पूजा का कार्य होता है वो मतलब कराते हैं। हमारी फैमिली में कई लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर सब जितने भी ग्रह हैं सबकी बारी बारी मंत्र पढ़ते जाएंगे और पूजा करते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक शुद्ध साफ आसन के ऊपर मैंने बनाए हैं, तो पट्टा के ऊपर भी बना सकते हैं। और जिसी जैसे शनि देव काला रहता है उनका रंग, तो काली दाल ले ली मैंने। जैसे सूर्य भगवान पीले रहते तो पीला ले लिया, सफ़ेद ले लिया। इस तरह से सब रंग की दालें और चावल मैंने ले लिए हैं। बाकी ज़्यादा चावल जो है उनको ऑरेंज कलर में कलर किया था। यहाँ पर देखिए जनेऊ धारण करा दिया। अब हम फल अर्पण करेंगे भगवान जी को। तो इस तरह से 5 फल दान के चढ़ाए जाते हैं। तो 5 फल तो एक बाउल में रखे आपने देखा है, बाकी इस तरह से ग्रहों को जो फल हमें चढ़ाना है ग्रहों को वो इस तरह से चढ़ाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कान्हा जी पगड़ी लगा करके बैठे हैं। तो अब हम गणपति बप्पा को दूबा चढ़ा देंगे जो कि बहुत ही उनको प्रिय थी, और ये दूबा डेली ही चढ़ाई जाती है, डेली मतलब रोज़ बदल बदल के। और मैंने भोग में मेरे मुंह से कान्हा जी निकलता है, गणपति बप्पा के भोग में मैंने बनाए हैं मोदक जो कि मैं से यहाँ पर ना आवाज़ मैंने म्यूट कर दी थी क्योंकि आप सबको पता है कि गाना जो है भजन वगैरह कुछ भी नहीं डाल सकते, आरती वगैरह। तो वैसे तो ये कह रहे थे कि फालतू में ये म्यूजिक व्यूजिक नहीं बजाना चाहिए, मुंह से आरती करो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन बच्चे ना मेरे मान नहीं रहे थे, बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे, तो फिर हम लोगों ने बजा लिया था। तो देख सकते हैं गणपति बप्पा जो आए हैं ना हमारे कृष्ण रूप में आए हैं, मतलब बाल गणेश आए हैं। और यहाँ पर इन्होंने पूरे घर में आरती घुमा दी है, सब हर कोने कोने में आरती दिखानी है ताकि हमारे घर का जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आरामी बीमारी है, जो भी परेशानियाँ हैं सब भगवान ख़त्म कर दें। तो यहाँ पर आरती को अचवाने के बाद सब लोग ले लेंगे आरती, और बाकी कर्पूर वो गायत्री मंत्र वगैरह सब कुछ पढ़ा, फिर बिल्डिंग में हमारे सबको प्रसाद दे देंगे क्योंकि अभी बुला नहीं पाए थे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। आज फर्स्ट डे होता है ना जब गणपति पप्पा को बैठाने का, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और समझिए सुबह 7:30 से हमारी पूजा चालू तैयारी, वही 10:30 के लगभग टाइम हो गया था। तो अभी मैं पंचामृत का प्रसाद ले रही हूँ जो कि बनाया गया था भगवान जी को स्नान करने के लिए। तो हम दोनों बच्चे सब वही खा रहे हैं और साथ में पी रहे हैं चाय। तो अभी खाना ना मैं तुरंत जाके यहाँ से बनाऊँगी क्योंकि आज ना हमारे मोहल्ले में जो हमारी सोसाइटी के गणपति बप्पा हैं वो भी बैठने वाले हैं, तो फिर हम लोगों को 11:30 बजे नीचे भी उतर के जाना था, इस वजह से जल्दी जल्दी हो रहा था सब कुछ। तो बस चाय पी के फिर मैं चली गई थी रसोई में, और रसोई में जा करके जो कि मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो ही नहीं शूट हुआ आपको बताऊं, तो मैंने बनाई जल्दी जल्दी से आटा लगाया, चावल धुल के रखे कुकर में रेडी करके, और साथ ही साथ मैंने बनाया दही के आलू। तो घर में कोई सब्जी नहीं थी और प्याज लहसुन वगैरह तो कुछ भी नहीं खाएंगे 10-11 दिन, तो इनसे मैंने कहा ना जाओ मार्केट, और मार्केट के पास में ही मिल जाता मट्ठा, थोड़ा सा दही रखा था तो दही और मट्ठा मिला करके मैंने बना ली दही के आलू। तो ये बना के रख के जा रही हूँ, लौट के आके चावल सीटी लगा दूंगी और रोटियाँ फटाफट से सेक लूँगी, सिंपल खाना तैयार हो जाएगा। तो अभी देखिए हम जा रहे हैं गणपति बप्पा की पूजा में, हमारे जो सोसाइटी में होने वाला है। तो शिवा ने ना पैजामा उतार डाला था तो मैंने सोचा ये पैजामा पहना देती हूँ, कुर्ता ऑलरेडी पहना ही था, और बस मैंने फेस थोड़ा क्लीन किया, खुद को थोड़ा सा वार्म अप किया, अच्छा किया, फिर उसके बाद मैं गई नीचे के लिए। तो चलिए हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल में न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए और आप अब हमारी वीडियो देख सकें। तो हमारी आज का पूजा पाठ कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर